हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। और आज बेसिकली जो हम बात करने वाले हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के AG300 मीन्स आर्किटेक्ट लेवल के कंटेंट वाली सीरीज की वीडियो है। और गाइस, ये सेवंथ क्लास है, आप बोल सकते हो सेवंथ वीडियो है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वर्चुअल मशीन को क्रिएट करना। और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो है कि कैसे हम अपने वर्चुअल मशीन के ऊपर हाई अवेलेबिलिटी या हाई अवेलेबिलिटी सेट या अवेलेबिलिटी जोन को कॉन्फिगर करते हैं। तो गाइज, ये अपने पास एजेंडा है, इसमें हम काफ़ी यूनिक सी सर्विस को जानने वाले हैं, क्योंकि ये मोस्टली कॉमन सर्विस है बट कन्फ्यूजन से भरी है। लाइक मोस्टली लोगों का यही क्वेश्चन रहता है कि जो अवेलेबिलिटी सेट है ये काम कैसे करता है, या अवेलेबिलिटी जोन है जो उसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, इसका इम्पैक्ट हमारी वर्चुअल मशीन पे कैसे पड़ेगा। तो वो सारा कन्फ्यूजन हम आपको दूर करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो चलिए डायरेक्टली उठाते हैं प्रैक्टिकल अपना पोर्टल के थ्रू, स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल। बट उसके पहले, अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। गाइज, जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे डेफिनेटली आपको मल्टीपल टेक्नोलॉजी की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं पोर्टल पे अपने और फटाफट देख लेते हैं कि कॉन्टेंट क्या है। कॉन्टेंट में हम गाइज, सेवंथ वीडियो, सेवंथ क्लास है, तो ये अपने पास एजेंडा है क्रिएट एंड कॉन्फिगर वर्चुअल मशीन फॉर विंडोज एंड लिनक्स। तो इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है वो हाई अवेलेबिलिटी का है ना। तो इसमें हम देखते हैं हाई अवेलेबिलिटी की मीनिंग क्या है और किस तरीके से इसको मैनेज करने का काम करते हैं। पोर्टल पे चलते हैं डायरेक्टली, portal.azure.com पे ओपन करेंगे हम अपने ब्राउजर पे, ये URL पेस्ट करेंगे। और आपके पास जो भी सब्सक्रिप्शन है, पे एज यू गो का सब्सक्रिप्शन आप इस्तेमाल कर रहे हैं या फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन है, आप उस पर साइन इन कर लेंगे। साइन इन करने के बाद पोर्टल पे हमें सिलेक्शन करना है कंप्यूट पार्ट का, जो यहाँ लेफ्ट पैनल पे अवेलेबल है। तीसरे नंबर पे कंप्यूट पे क्लिक कर दिया, वर्चुअल मशीन का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, आप VM पे क्लिक कर देंगे। और भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के तरीके कौन कौन से हैं, डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे कि जो अपने पास रिजर्वेशन है या फिर अपने पास जो ऑन डिमांड मशीन है, इनमें गैप क्या होता है वो बात की बात है। पहले हम डिस्कस करने वाले हैं अभी हाई अवेलेबिलिटी अकॉर्डिंग टू द ब्लू प्रिंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट AG300, क्योंकि हमें जो प्रिपरेशन करनी है, हमें जो तैयारी करनी है वो एग्जामिनेशन से रिलेटेड करनी है। दैट्स वाई हमें एक एक स्टेप फॉलो करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट के कंटेंट को। तो ये अपने पास पहला है सब्सक्रिप्शन टाइप, कौन सा सब्सक्रिप्शन आपके पास है। सेकंड है रिसोर्स ग्रुप, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप एग्जिस्टिंग को सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं है तो आप नया क्रिएट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है वर्चुअल मशीन का नाम, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं, कोई से भी XYZ नेम दे सकते हैं। ये VM का नाम हो जाएगा, ये लोकेशन रीजन हो गया, मान लीजिए हमने यहाँ पे प्रोसीड किया है अपने VM को क्रिएट करने के लिए सेंट्रल US की लोकेशन। और आप देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है या अवेलेबिलिटी ऑप्शंस। तो गाइस, अवेलेबिलिटी जो ऑप्शन है ये, इसमें दो पार्ट आपको मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो ना, तो अवेलेबिलिटी जोन भी है और अवेलेबिलिटी सेट भी है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि इनके बीच में गैप क्या है या किसका इस्तेमाल करके हम अपनी वर्चुअल मशीन को कितना प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर एजेंडा है, हम यहाँ पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन से भरा है, तो हम कोशिश करेंगे इस कन्फ्यूजन को दूर करने की। बोथ आर रिलेटेड टू द एज्योर VM, HA बोल सकते हो, एज्योर VM HA मीन्स हाई अवेलेबिलिटी। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटी हम परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो अवेलेबिलिटी के केस में दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं अपने पास, एक है अवेलेबिलिटी जोन, ठीक है, और दूसरा जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है अपने पास वो है अवेलेबिलिटी सेट। दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग सेटिंग है, बट दोनों ही हमारी वर्चुअल मशीन को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हम अवेलेबिलिटी जोन के बारे में समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली इसकी मीनिंग क्या है, और फिर सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे राइट पैनल पे अपने पास ये पेज ओपन है जहाँ पे आपने जोन सेलेक्ट किया। तो जब आप जोन सेलेक्ट कर रहे हो, यहाँ पे 1, 2, 3 सिर्फ नंबर दिखाई पड़ रहे हैं, 1, 2 या 3। तो गाइज, ये जो जोन है, जोन का मतलब ये है कि आपने एक लोकेशन सेलेक्ट किया, रीजन सेलेक्ट किया सेंट्रल US, मीन्स सेंट्रल US के लोकेशन में माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ने एक डेटा सेंटर इस्टेब्लिश किया है और आपसे पूछ रहा है, कंफर्म कर रहा है कि आप जो वर्चुअल मशीन अपनी क्रिएट करना चाहते हैं वो सेंट्रल US लोकेशन में तो बनाना चाहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या आप इसकी और कॉपियां चाहते हैं, क्या आप इसी सेम वर्चुअल मशीन जो आप क्रिएट करेंगे इसकी कोई अदर कॉपी चाहते हो, कि इन केस सेंट्रल US के लोकेशन में डेटा सेंटर में कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, नेचुरल क्लाइमेट्स आ गए, उसकी वजह से डेटा सेंटर में प्रॉब्लम आ गई, तो क्या आप दूसरे लोकेशन में भी अपने सिस्टम की कॉपी रखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ जोन्स डिसाइड कर सकते हो कि कितने जोन पे आप अपना डेटा रखना चाहते हैं, कितने जोन पे अपनी वर्चुअल मशीन को रखना चाहते हैं। तो सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं,
कि ये अपने पास कस्टमर का पैनल है जहाँ पे आपने एक वीएम क्रिएट किया, ठीक है, ये अपने पास वर्चुअल मशीन है जो आपने अभी प्रोसीड की क्रिएट करना। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या किया है, जाहिर सी बात है एक लोकेशन देना पड़ेगा हमें, तो हमने जो डिसाइड किया था सेंट्रल यूएस था, ठीक है, ये आपकी करंट लोकेशन है। लेकिन इसके अलावा आप और भी लोकेशन में अपने मशीन को, वर्चुअल मशीन को, वर्चुअल मशीन की कॉपी रखना चाहते हैं, तो आप जोन में जो सिलेक्शन करेंगे वो आपको दूसरे लोकेशन पे, मीन्स जैसे आपने सेलेक्ट किया जोन वन या आपने दूसरा सिलेक्शन किया जोन टू, इट मीन्स दैट ये आपकी वर्चुअल मशीन की एक कॉपी तो इस लोकेशन में रहेगी, लेकिन साथ ही साथ आप इस वर्चुअल मशीन की कॉपी दूसरे लोकेशन या दूसरे जोन में भी रखना चाहते हैं, किससे, नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए। तो गाइज अगर हम अवेलेबिलिटी जोन की बात करें और अवेलेबिलिटी जोन में आप नंबर सेलेक्ट करते हो दो या एक या तीन, तो इट मीन्स दैट ये एक कॉपी किसी दूसरे लोकेशन में रेंडमली आपका क्रिएट कर लेगा, और इसको आप कब प्रोसीड करोगे, जब आप इसके ऊपर फेल ओवर क्रिएट करेंगे तो, क्लियर। तो आपने अवेलेबिलिटी जोन में यहाँ पे वन डिसाइड किया, तो वन डिसाइड करने का मतलब है कि आप एक लोकेशन सेंट्रल यूएस तो है ही है, साथ ही साथ आप दूसरी लोकेशन में भी अपनी वर्चुअल मशीन को रखना चाहते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अवेलेबिलिटी जोन। अब बात करते हैं अवेलेबिलिटी सेट की। तो अगर यहाँ पे हम चेंज करते हैं जोन की जगह पे सेट सेलेक्ट करते हैं और सेट में अगर क्रिएट पे क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे कुछ दूसरा ही ऑप्शन हमें दिखाई पड़ेगा। हमने अवेलेबिलिटी सेट पे क्लिक किया, तो अब जब आप अवेलेबिलिटी सेट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है फॉल्ट डोमेन का, जिसमें नंबर ऑफ मशीन दो है, और अपडेट डोमेन का जिसमें नंबर ऑफ होस्ट या डोमेन आपके पास पाँच है। तो गाइस बिल्कुल क्लियर है, सिंपल सी मीनिंग है अवेलेबिलिटी जोन की। आपके पास एक वीएम है जो आपने अभी रिसेंटली क्रिएट करने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है, वेब के नाम से जो हम अभी प्रोसीड ही कर रहे हैं, अभी क्रिएट नहीं हुई है। अगर आप इसको अवेलेबिलिटी जोन सेट के साथ क्रिएट करते हैं तो एक ऑप्शन हमें दिखाई पड़ रहा है फॉल्ट डोमेन, ठीक है, एक हमें दिखाई पड़ रहा है फॉल्ट डोमेन, और दूसरा जो ऑप्शन हमें दिखाई पड़ रहा है वो है अपडेट डोमेन। फॉल्ट डोमेन एंड अपडेट डोमेन, मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं कि इसका फॉल्ट डोमेन का और अपडेट डोमेन की मीनिंग क्या होती है। तो चेक करते हैं यहाँ पे फॉल्ट डोमेन इन द सेंस कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ जो डिफॉल्ट होस्ट है, होस्ट मतलब जहाँ पे आपकी वर्चुअल मशीन रन कर रही है, टोटल जो डिफॉल्ट नंबर ऑफ जोन है वो कितने हैं, दो होस्ट बोल सकते हो आप। यस, ये बैकएंड की बात कर रहे हैं, ये बैकएंड में जहाँ पे आपकी वर्चुअल मशीन रन कर रही है वहाँ पे दो होस्ट हैं या दो डोमेन हैं जिनके ऊपर आपकी वीएम रन कर रही है। सेकेंड, यहाँ पे आपके पास पाँच है, अपडेट डोमेन में टोटल नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स के, टोटल नंबर ऑफ होस्ट या नंबर ऑफ क्लस्टर कितने हैं, पांच हैं, तो यहाँ पे आप पांच मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास होस्ट बोल दो इसको, या आप क्लस्टर बोल दो, या आप जोन बोल दो, सॉरी नॉट जोन, आप इसको होस्ट बोल सकते हो या डोमेन बोल सकते हो, दोनों की मीनिंग एक ही निकलेगी। ये अपडेट डोमेन है, टोटल जो नंबर ऑफ अपडेट है आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं, यहाँ पे हमने पांच नंबर ऑफ होस्ट अवेलेबल है। गाइज अगर आप इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन पे प्रोसीड करते हैं तो इसका बेनिफिट जो है आपकी वर्चुअल मशीन को अप टाइम करने में रहेगा। आप बिना विदाउट अवेलेबिलिटी सेट के वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो तो आपको मिलता है 99.99% ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस, ठीक है ना। बिना आप अवेलेबिलिटी सेट या जोन के कॉन्फिगर करते हैं तो इतने परसेंट का फॉल्ट टॉलरेंस मिलता है। इसका मतलब यह है कि 1000 डे में, 1000 दिन में हो सकता है एक दिन आपकी वर्चुअल मशीन डाउन जा सकती है। लेकिन अगर आप वो एक दिन भी डाउन नहीं कराना चाहते हैं तो आपको अवेलेबिलिटी सेट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, और इस अवेलेबिलिटी सेट कॉन्फ़िगर करने के बाद जो आपको फॉल्ट टॉलरेंस मिलता है वो 5×9% ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस। इसका मतलब ये हुआ कि आपका टोटल 1,00,000 दिन में, 1,00,000 डे में एक दिन ऐसा हो सकता है कि आपकी वर्चुअल मशीन डाउन जाए अगर आपने फॉल्ट डोमेन या अपडेट डोमेन या अवेलेबिलिटी सेट को कॉन्फ़िगर किया है, करेक्ट। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट हुआ अपने पास हाई अवेलेबिलिटी का। समझने की कोशिश करते हैं फॉल्ट डोमेन क्या करता है और अपडेट डोमेन क्या करता है। बाय डिफॉल्ट आपने एक वीएम क्रिएट किया तो जाहिर सी बात है वर्चुअल मशीन जो क्रिएट होगी किसी क्लस्टर पे क्रिएट होगी, किसी होस्ट पे क्रिएट होगी, राइट। बैकएंड में जो होस्ट एज़्योर ने एस्टैब्लिश कर रखा है उस होस्ट पे वीएम आपकी क्रिएट होगी। तो जो वो वर्चुअल मशीन क्रिएट हो रही है वो भी एक हार्डवेयर के ऊपर है, मीन्स एक बड़ा बिग कॉन्फ़िगरेशन, हाई कॉन्फ़िगरेशन का एक होस्ट लगा दिया गया है, उस पे नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन रन कर रही है। अब आप थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अगर वो होस्ट डैमेज हो गया तो आपकी वर्चुअल मशीन तो उसके ऊपर डिपेंड है, जाहिर सी बात है वर्चुअल मशीन का जो RDP है या उसका जो एक्सेस है वो एक्सेस होना बंद हो जाएगा।
तो अवेलेबिलिटी सेट से क्या होगा कि अगर मान लीजिए एक ईयर सक्साई आपकी डैमेज हो जाती है, इन केस एक ईयर सक्साई आपकी डैमेज भी हो जाती है, तो उसके बाद दूसरा जो होस्ट है वो आपकी वर्चुअल मशीन को कैरी कर लेगा। ये वीएम आपके रन कर रही थी बट अनफॉर्चुनेटली ये होस्ट ये डैमेज हो गया, तो ये क्या करेगा आपकी वीएम को मूव करा देगा, जस्ट लाइक वीएमवेयर के केस में एचएडीआरएस होता है उसी तरीके से आपकी वीएम को मूव करा देगा, और इसकी डैमेज की जगह पे जो अपडेट डोमेन है यहाँ से एक डोमेन आके इसकी जगह ले लेगा। ऐसा कब तक होगा? जब तक आपके पास पांच वर्चुअल मशीन हाईलाइट नहीं हो जाती। मतलब पांच वर्चुअल मशीन वहां पे मूव करने का मतलब है पांच बार आपके होस्ट में प्रॉब्लम आना या डैमेज होना। तो दैट इज वाई ये हमें कितने 99.9999% का फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करता है। इट मीन्स दैट 1 लाख डेज में हो सकता है कि एक दिन ऐसा जाए कि आपकी वर्चुअल मशीन डाउन हो सकती है, अगर आप अवेलेबिलिटी सेट की सेटिंग करते हैं या अवेलेबिलिटी सेट को कॉन्फिगर करते हैं। तो गाइज ये प्रॉपर एजेंडा था, ये अवेलेबिलिटी की मीनिंग थी अपने वर्चुअल मशीन में। साथ ही साथ हम डीआर के बारे में भी कॉन्फिगर करेंगे, डीआर भी डिस्कस करेंगे, वो भी अवेलेबिलिटी सेट के अंदर आता है। बट नेक्स्ट चैप्टर में पहले हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे और उसमें समझने की कोशिश करेंगे कि अवेलेबिलिटी जो क्रिएट करते हैं, हाई अवेलेबिलिटी जो कॉन्फिगर करते हैं डीआरएस के थ्रू, सॉरी डीआर के थ्रू, डिजास्टर रिकवरी के थ्रू, उनका कॉन्सेप्ट समझेंगे देन प्रैक्टिकल। तो गाइज प्लीज लेट मी नो, अगर आपका कोई क्वेश्चन इसमें है तो आप ड्रॉप करना कमेंट में। कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपर तरीके से। चलिए पेज पे चलते हैं एज्योर के, और यहाँ पे हम अवेलेबिलिटी सेट में क्रिएट करना है तो ठीक है, हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, नाम दे देते हैं, यहाँ पे सिंपल सा नाम दे देते हैं टेस्ट सेट, ठीक है ना, टेस्ट अवेलेबिलिटी सेट, जिसमें फॉल्ट डोमेन 2 दे रहे हैं और अपडेट डोमेन 5 दे रहे हैं। अगला सेलेक्ट योर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो जो भी आप ओएस यहाँ पे प्रोसीड करना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे सर्वर 2012 का ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट किया है। यूजर नेम आप अपने अकॉर्डिंग दे दो, कोई सा भी यूजर नेम आप यहाँ पर चलेगा, और पासवर्ड जो है मिनिमम 12 करेक्टर होना चाहिए, तो कॉम्प्लेक्स हो 12 करेक्टर हो तो सही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ओके कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पर कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, अभी हम नेक्स्ट करके इसको फिनिश कर देंगे डिफॉल्ट सेटिंग पे, क्योंकि हमें वीनेट पढ़ना पड़ेगा फिर नेटवर्किंग को सेट करेंगे। अभी आप क्रिएट और रिव्यू कर देते हैं सिंपल सा, ठीक है। तो गाइज ये पूरा पूरा का पूरा प्रोसीजर था अपने पास सेटअप को तैयार करने का, अवेलेबिलिटी के सेट को कॉन्फिगर करने का। साथ ही साथ अवेलेबिलिटी सेट में हम और भी डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द डिजास्टर रिकवरी, लेकिन पहले हम वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टी को समझेंगे उसके बाद। तो गाइज ये अपने पास कॉन्सेप्ट था, अगर आपको कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट में ड्रॉप करना, डेफिनेटली ट्राई करेंगे हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आज के लिए इतना, आज की वीडियो में इतना ही। तो ये अपने पास 7th वीडियो थी आर्किटेक्ट की, तो गाइज आप वीडियो फॉलो करते रहिए अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है एजी 300 का या 303 का। टेक केयर गाइज, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर टॉपिक के साथ, टेक केयर।